हम सभी जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी कॉस थीटा, सभी जानते हैं हम लोग। तो ऐसे में यदि थीटा बराबर क्या हो जाए 90, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90 बराबर 0 हो जाता है, तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो हमारे लंबवत होने की शर्त है कि ए डॉट बी बराबर क्या होना चाहिए 0, आपको याद होगा। अब अगर हम अपने अभी लेटेस्ट फॉर्मूले पे आएं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ओके। तो यहाँ पर यदि थीटा 0 हो जाए, थीटा क्या हो जाए 0, तो मतलब समांतर संपाती, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये समांतर संपाती या फिर विपरीत दिशा में, मतलब 0 या 180 हो जाए, 180 भी चलेगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 0 या साइन 180, दोनों का मान ही 0 होता। तो ऐसे में ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा आपका 0 वेक्टर, सदिश आना चाहिए ना सदिश गुणनफल में, ये विशेष ध्यान रखना, ए क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर। हाँ, फिर अगर आप मॉड निकाल रहे हैं तो फिर मॉड भी चल जाएगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, वो दोनों चीज़ें सेम ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 या 180 के लिए ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए 0। तो जब कभी समांतर आता है, क्या आता है समांतर, कि भाई सिद्ध करो ये लंबवत हैं, तो अपन ए डॉट बी निकालते हैं, अगर वो 0 आ गया तो लंबवत सिद्ध हो जाते हैं, और समांतर सिद्ध करना होता है तो हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अगर वो 0 आया तो क्या हो जाते हैं समांतर। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि अपन ए क्रॉस बी का इस्तेमाल कम से कम अपन पुराना वाला इस्तेमाल करेंगे समांतर वाले में, ये कैसे भी करके दूसरा देश क्या हो जाए बराबर हो जाए, याद आया कुछ कि नहीं है, वो ज़्यादा सरल है। ए क्रॉस बी निकालने में क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है। और एक और साथ निकाल दिए अपन ने, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बराबर सी वन, निकाल दी। तो ऐसा नहीं कि नई चीज़ पढ़ी तो पुरानी को भूल गए, नई चीज़ का ज्ञान बस चाहिए अपन को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, समझ पा रहे। आपने गौर किया हो, थीटा निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ए मॉड बी, और मैंने कहा था कौन निकालने आए तो ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना, कौन निकालने आए तो ये यूज़ करना, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। टाइम भी तो बचाना है अपन को, दो नंबर में कितना टाइम लगाएंगे अपन, दो या तीन नंबर से ज़्यादा नहीं आता ऐसे चैप्टर, दो तीन नंबर का आना है तो इसका लगाइएगा। साइन में भी दिया तो इसको साइन में कन्वर्ट कीजिए, उसमें कम टाइम लगेगा, मैंने कोई क्वेश्चन भी कराया था। तो यहाँ बस जानकारी के लिए बता दिया कि अगर आपको समांतर सिद्ध करने हैं तो आप ए क्रॉस बी निकालिए, अगर वो 0 आ जाता है तो सदिश कैसे हैं समांतर, लेकिन करेंगे नहीं इससे करेंगे तो अपन वैसे जैसे पहले करते थे, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि भाई कैसे करना है, ऐसे क्या त्रिविंग ज्यामिति आएंगे बहुत टफ चीज़ से आएगा, टफ चीज़ से आएगा उसको करेंगे नहीं, करेंगे अपन उसको सदिश विधि से, क्योंकि वो कोई मिक्सअप नहीं है कि भाई आपने त्रिविंग ज्यामिति में सदिश विधि से कैसे कर दिया, बहुत सारी चीज़ें वहाँ सदिश विधि से करेंगे। चलिए फालतू बात, सबको ये समझ में आया। अब इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ है जो बहुत कंफ्यूज करती, बहुत आती है ऑब्जेक्टिव में, किसी से पूछा, जो बच्चे हैं उनको उस तरफ से एंटर करा सकते, किसी से पूछा कि अगर ए डॉट बी बराबर 0 है तो क्या मतलब है इसका, कि ए और बी परस्पर, और इसी के साथ ए क्रॉस बी बराबर भी 0 है तो मतलब ये दोनों परस्पर लंबवत भी हैं और समांतर भी, समझ में आया। ऐसा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि दो, यही दो समांतर हो और यही दो लंबवत हो सकता है ऐसा, लेकिन बहुत ही हीरो होते हैं, हमने क्या कहा, एक से एक हीरो होते हैं, समझ रहे हो, वो लगा आते हैं ऑप्शन, यदि ए डॉट बी बराबर 0 और ए क्रॉस बी बराबर 0 तो इसका अर्थ है कि सर इस परस्पर लंबवत भी हैं और समांतर, ऐसा कैसे हो सकता है। आप लॉजिकली सोचो, दो चीज़ें या तो समांतर ही होंगी या लंबवत, एक एक कैसे हो सकती, तो सर फिर इसका क्या आंसर लगाएंगे, इसका आंसर ये है कि ए और बी में से कोई एक 0 है, ए और बी में से कोई एक 0 है, तभी ये वाला गुणा करने पे भी 0 आ रहा है और ये वाला, समझ में आया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लंबवत भी हैं और समांतर, तो मेन पॉइंट यहाँ से ये है, सबको समझ में आया बच्चों, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों परस्पर लंबवत है तो ये का मान निकालो, अगर परस्पर समांतर है तो ये, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यदि दिए गए दोनों
सदिश परस्पर लंबवत हैं तो जो इनका अदिश गुणनफल होगा वो जीरो होगा। 3i + 2j + 9k, i + aj + 3k, 3 2a 27 बराबर जीरो, 2a + 30 बराबर जीरो, 2a = -30, a = -30। अब लिखेंगे यदि दिए गए सदिश परस्पर समान, तो क्या लिखेंगे मानसी अपन यहाँ पे, मानसी बताएगी a × b = 0। तो ये होता है कि मैंने असाइनमेंट में लिख, जिसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े हीरो बन गए, क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी। चलिए a × b = 0 से कैसे बट साइन एक बनाओ, कितना टाइम लगेगा, जब मेरे पास तरीका है कि a1 / a2 = b1 / b2। मैंने आपको पहले बता दिया, ऐसे अब तुम यहाँ में जाओगे तो और कन्फ्यूज हो गए, वहाँ एक नया तरीका होता है ऐसे भी कर लो, लेकिन पेपर में तुम्हें कैसे करना है वो तब डिसाइड होगा, तुम पढ़ाई तुम्हारी होगी। ठीक है चलिए, तो 3 / 1 = 2 / a = 9/3। अगर आप गौर करें 9/3 माने 3/1, मतलब कि 3 बराबर हो ही जाएंगे। अब इसको छोड़ देंगे, ओके वाले इन दोनों को ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, 3a = 2a + 2a = 2/3। अब बताइए a × b = 0 लगा कि आसान है कि ये आसान है, यकीन पढ़ा भी है अपन, ये भी पढ़ा और ये पढ़ा के दूसरा कैसे भी करिए, क्या हो जाए बराबर लैम्डा बराबर करके, तो यस अपना दिमाग लगाए यार। चलिए a · b = a · c, मतलब यहाँ पे एक सवाल है जिसमें 3 चीज़ें दी हैं, एक तो a का मान 0 नहीं है, ये लिखा है a vector does not equal to 0, a · b = क्या है a · c। अगर इसको हम पक्षांतर करें कंचन, तो a · b - a · c = 0, फिर वितरण नियम को पास तो सब करते हैं, a · b - b - c = 0। इसका क्या मतलब है मानसी बताइए, कि a वेक्टर और b वेक्टर माइनस c वेक्टर परस्पर लंबवत। ठीक है अब यहाँ आएंगे, a · b - a · c = 0, a vector common cross रहेगा बाहर ध्यान से, b vector - c vector, इसका क्या मतलब है मानसी, a vector और b vector - c vector परस्पर समान। ऐसा होता है कि दो सदिश जो हैं वो समांतर भी हो जाएं और लंबवत एक कुछ होंगे। ठीक है तो अर्थात a vector और b vector - c vector परस्पर लंबवत हैं, a vector व b vector - c vector परस्पर समान। अब आप ध्यान से देखो जो लिखना है, हम लिखवाएंगे वैसे अभी, परंतु यह संभव नहीं है कि a vector और b vector - c vector परस्पर लंबवत भी हों और समांतर भी हो, तो आखिरी चीज बचती है कि इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, 0। तभी तो ये गुणा भी 0 आ रहा है और ये गुणा, देखो ये गुणा 0 आ रहा है और ये भी गुणा भी 0 आ रहा है। ठीक है तो इन दोनों से पक्का कोई ना कोई एक क्या होगा, 0। अब चूंकि दिया है कि a does not equal to 0, तो बचा क्या, अतः b vector - c vector = 0, सो b vector = 0। समझ में आया बेटा, पक्का? ऐसा ही एक क्वेश्चन जो अभी अपन करने वाले हैं, अपन ने अदिश गुणनफल में भी किया है। ये लोग कह रहे हैं कि यदि a vector = 0, तो यदि a vector = 0 होगा तो जो मॉड a है वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो जब आप यहाँ पे रखोगे a · b = 0 इंटू जो भी लिखा हुआ है तो आ जाएगा क्या, 0। ठीक है अब ऐसे सेकंड में भी हो जाएगा कि यदि b vector = 0 तो भी ये 0 आ जाएगा। तीसरा ये बोल रहे हैं कि बताइए कि इसका विलोम सत्य नहीं है। अब आप ध्यान से समझिए मेरी बात, a · b = 0 कब होगा, या तो a 0 हो या तो b 0, पर ये बोल रहे हैं कि इसका विलोम सत्य नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर a · b = 0 हो तो a और b में से कोई क्या हो, 0। क्यों, क्योंकि अगर दोनों समांतर हुए तो भी तो a × b क्या आएगा, 0। अगर आपको याद है वहाँ भी लिखा था अपन ने कि दोनों लंबवत हुए तो भी तो a · b क्या आएगा, 0। तो ध्यान दीजिए, अगर a vector = 0 है तो a × b = 0 होगा, क्योंकि 0 गुणा करने 0 आता है। यदि b vector = 0 है तो भी a × b = क्या आएगा, 0। परंतु ये जरूरी नहीं है कि अगर a × b = क्या है,
तो ए या बी में से कोई एक जीरो हो। तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि हो सकता है परस्पर समानता। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन में लिखेंगे अपन कि यदि ए क्रॉस बी बराबर क्या है जीरो, तो यह आवश्यक नहीं कि ए बराबर जीरो या बी बराबर जीरो, क्योंकि अगर वो सदिश परस्पर क्या हुए समानता, तो थीटा बराबर जीरो हो जाएगा, जैसे साइन थीटा बराबर जीरो हो जाएगा और ए क्रॉस बी बराबर भी क्या हो जाएगा जीरो। पुराने में से कॉपी कीजिएगा आप, घुमा दिए रजिस्टर। चलिए अब इन्होंने बोला एक उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। किसके द्वारा? उदाहरण बहुत सरल है, आप ले लीजिए ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस के और बी वेक्टर बराबर टू आई प्लस टू जे प्लस टू के। क्या इन दोनों में से कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि शून्य सदस्य है? अब निकालिए रोहित, क्या ए क्रॉस बी आई जे के वन 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 टू टू टू, समझ में आया? टू या तो प्रसार कर दीजिए या इसमें से टू क्या ले लीजिए, चलिए जो करना है कर दीजिए आप। आई जे के वन 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 वन, चूंकि आर टू और आर थ्री क्या है, अतः सारणिक का मान क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ स्पष्ट है कि ए और बी में से कोई सदस्य जीरो नहीं है, फिर भी ए क्रॉस बी क्या है जीरो। क्यों है जीरो? क्योंकि ए और बी परस्पर क्या है समान है। तो कुल मिलाकर गलत ये है कि आपको इतना सारा लिखना, वैसे तो आप कॉपी कर लेंगे, उसमें से गलत ये है कि यदि ए वेक्टर बराबर जीरो तो ए क्रॉस बी जीरो आएगा, यदि बी वेक्टर बराबर जीरो तो भी ए क्रॉस बी क्या आएगा जीरो। लेकिन उसका उल्टा कि यदि ए क्रॉस बी बराबर क्या है जीरो, तो जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर भी या बी वेक्टर में से कोई क्या हो जीरो, क्योंकि अगर वो समांतर हुए तो भी सदिश गुणनफल क्या आ जाएगा जीरो। और उसके बाद अपन ये उदाहरण, इसके अलावा कोई और उदाहरण दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? कुछ भी लिख लो आप यहाँ पे, उसमें लैम्डा गुणा कर देना तो समांतर हो ही जाएगा वो। मैंने यहाँ दो का गुणा किया है, आप काय गुणा करने लैम्डा, समझ गए? चलिए करिए। देखिए बच्चों, हम लोग अब चूंकि आखिरी में पहुँच गए सदिश गुणनफल, इसलिए कुछ बातें कर रहे हैं। हमने देखा कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, माइनस लग जाता है, बराबर नहीं होते। क्या लग जाता है? देखिए सदिश गुणनफल करता है ए डॉट बी बी डॉट ए होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि वितरण नियम का पालन करता है, मतलब अगर आपका ए क्रॉस बी प्लस सी है तो आप क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। आखिरी चीज़ होती है सहचर नियम। क्या होता है? अगर आपको याद हो सहचर नियम का पालन तो सदिश गुणनफल नहीं करता, कि मतलब अगर आपके पास तीन सदस्य हैं ए डॉट बी और सी, इन तीनों को गुणा करना है, तो ऐसा नहीं कि पहले आप ए और बी का कर लें या फिर पहले आप बी और सी, ऐसे में आंसर क्या आएंगे, बिल्कुल अलग अलग आएंगे। मैंने बताया था आपको कि ए डॉट बी से एक संख्या आएगी, मान लीजिए पाँच, और उसका सी में गुणा करेंगे तो फाइव सी वैक्टर सी की दिशा में कोई वैक्टर आएगा, जबकि ए बी डॉट सी से एक संख्या आएगी मान लीजिए तीन तो थ्री ए वैक्टर, ये अलग अलग वैक्टर होगा, सी की दिशा है और वो एक ही तो है नहीं, वो ये दोनों बराबर नहीं होते, ये तो बन पड़ चुके काय में सदिश गुणन। अब बात करते सदिश गुणनफल की, कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो वही जो यहाँ है वही यहाँ है, क्या ये बराबर होंगे? ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अगर अपन को करना है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए बी क्रॉस सी, क्या ये बराबर होंगे? और इसी मशक्कत में अभी अपन लगे हुए हैं, क्या ये बराबर होंगे? तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, ए बराबर आई माइनस टू जे प्लस के, बी बराबर टू आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस टू जे माइनस के, थ्री एन सी आई टी का है। सबसे पहले अंदर ही हमने निकाल लिया है बी क्रॉस सी, तो वो कितना आया है बेटा, माइनस थ्री आई प्लस थ्री जे प्लस बी क्रॉस सी। कैसे निकालेंगे? आई जे के दो एक 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 दो माइनस सी, ठीक है। इसके बाद हमने निकाला है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो उसके लिए अपन ने देखिए ए लिखा है वन माइनस टू वन, ठीक है, और फिर बी क्रॉस सी निकाला है माइनस थ्री थ्री थ्री, तो वो कितना आ गया, माइनस नाइन आई माइनस सिक्स जे माइनस। अब अगली चीज जो अपन को निकालनी है कंचन, देखो अपन ने एक साइड निकाल ली, मतलब ये साइड निकाल ली है कंचन, क्या निकाल ली है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब हमें निकालना है कंचन, ये वाला हो गया, अब अपन निकालेंगे क्या, ए क्रॉस बी। शॉर्ट में इसलिए कर रहे हैं कि अपन उतना टाइम थोड़ी कि चाचा साने का प्रसार करते रहे, तो ए क्रॉस बी के लिए आई जे के वन माइनस टू वन टू वन वन। रोहित, हाँ अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस दो माइनस एक माइनस थ्री आई, सही है जी। तो एक एक कम एक, दो एक कम दो, माइनस एक तो माइनस माइनस होगा प्लस जी, आप भी कर सकते हैं ना, तो मैं आपको बताएं एक एक कम एक और दो दूनी चार, चार और एक पाँच, सही है
और बाकी लोग निकाल के देखें सर ने कहीं जल्दी जल्दी में गलत तो नहीं कर दिया है। नेक्स्ट हम निकालेंगे बेटा चौथा और आखिरी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, आई जे के, सॉरी सही है ना, हाँ चलिए बताइए आप। ये निकाला ना अपन ने, पहले अपन ए, पहले अपन को क्या लिखना है ए क्रॉस बी माइनस थ्री वन फाइव और सी वन टू, चलिए तीन दूनी छः माइनस, ओ सॉरी मेरी गलती, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस वन माइनस दस सही है, सही है माइनस इलेवन आई, फिर रोहित थ्री माइनस प्लस हो जाएंगे टू जे और तीन दूनी माइनस सात, क्या ये बराबर आ रहे हैं? तुम लोगों ने किया तो सही है ना, हाँ तो अब स्पष्ट क्या हो गया है कि स्पष्ट है कि ए और बी और सी का अगर हमें क्या करना है सदिश गुणा, क्या ऐसा नहीं कि बी और सी का पहले कर लो फिर ए का कर लो या फिर ये दोनों अलग अलग हैं तो ये दोनों बराबर नहीं है। सभी लोग असाइनमेंट में एक चिन्ह बस की यहाँ पे सही कर लेंगे सब कुछ, अब रुक तो जाए यार भाई, हो गया समझ में आया है ना। अब ये तो अपन ने चेक करना था वर्टिकल कि अपन पूरा कर लेंगे कॉपी में, लेकिन पेपर में क्या आएगा, पेपर में कोई एक चीज निकालने आती, क्या आती कोई, या तो ये निकालने आएगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी या तो ये निकालने आएगी, तो इसमें क्या कौन सा दो बार तो साइड बना, यहाँ तो अपने डायरेक्ट कर लिया भाई अपन को आता है, काफी लोगों को साउंड कर रहा हो सकता है गलत कर दिया पर गलत नहीं है वो ठीक है, पर फिर भी टाइम तो लगता है, तो यहाँ पर एक टेक्निक है अगर आपको पेपर में ये निकालने आए मानसी, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये निकालने आए तो ये एक टेक्निक है यहाँ पर जैसे आप आसानी से निकाल सकते, अब कैसे निकाल भाई भैया ध्यान ध्यान दें कैसे निकाल सकते, आप सोचिए आप लंबी कूद में जा रहे हैं आप अच्छे दौड़ गए पहली बार दो बार आप कूदना तो पहली बार बहुत दम होती तो आप लंबे कूद जाएंगे ठीक है, तो आप क्या हो गया ए डॉट सी ठीक है, फिर आप कम कूद पाएंगे तो क्या हो गया ए डॉट बी, अब ए डॉट सी बचा क्या बी, ए डॉट बी बचा क्या सी, ये इसके बराबर होता है। अरे सर ऐसे कैसे देख ले रहा? एक और बता रहे नेक्स्ट है अगर आपको ये निकालना है क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी लंबी कून ए डॉट सी, जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, मैं आप भी एक सेकेंड आपको देखे ए डॉट सी ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, ए डॉट सी इनटू में क्या रहेगा रोहित बी वेक्टर फिर बी डॉट सी, बात वही है टेंशन नहीं होती, बी डॉट सी बचा क्या रोहित ए वेक्टर, नहीं आया समझ में ये सूत्र निकाला समझ में आया, लेकिन ऐसे कैसे मान लें सर कि ये बराबर होता देख लेते हैं अपन, तो अपन इसको चेक कर लेते क्या कर लेते हैं चेक कर लेते, चेक करने के लिए सबसे पहले मान से अपन निकाल रहे ए डॉट सी, बेटा बहुत बड़ा हो बहुत बोरिंग लग सकता है आपको इट्स ओके, ए डॉट सी बेटा थोड़ा सा डाइट करेंगे रोहित ए डॉट सी, एक एकम दो दूनी चार एक एकम एक कितना आ गया बेटा माइनस चार सही है बेटा रोहित, नेक्स्ट अपन क्या ए डॉट सी हो गया अपना, नेक्स्ट क्या निकालेंगे ए डॉट बी, एक दूनी दो साथ साथ रहो यहां वहां मत घूमो माइनस टू प्लस एक कितना आ गया एक, आखिरी चीज जो सर ने चेक करने के लिए बोली है ए डॉट सी इंटू बी ए डॉट बी इंटू सी, ए डॉट सी कितना निकाला मानसी अपन ने चार, बी वेक्टर बोलिए मानसी माइनस चार निकाला है बी वेक्टर बोलिए टू आई प्लस जे प्लस के हाँ माइनस ए डॉट बी कितना आया एक, सी वेक्टर बोलिए आई प्लस आठ आई माइनस चार जे माइनस चार के माइनस आई माइनस टू जे प्लस के माइनस आठ आई माइनस नौ आई रोहित माइनस चार जे माइनस टू जे माइनस सिक्स जे माइनस फोर के प्लस के माइनस थ्री कहाँ गया दिख गया देखिए वही आया है
तो अब बताइए पेपर में आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने आया तो आप ऐसे दो सारणी बनाए करना चाहेंगे या ऐसे करना चाहेंगे? जैसे करना चाहेंगे, इसमें कोई ज़बरदस्ती का काम नहीं आएगा दो नंबर में, ठीक है? इसमें कोई नहीं कि आपको ऐसे करना है, मुझे ऐसा लगता है इससे सरल पड़ेगा। अगर आपको इससे लगता है कि हम तो सारणी दो बार बना लेंगे तो वैसे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जब ये पूरा करेंगे तो आपको समझ आएगा किस में टाइम लग रहा है किस में टाइम। अभी एक चेक और रह गया, कौन सा मान सी? ये वाला, ये आपको करना है बेटा, है ना? समझ रहा? तो ये पूरा सवाल एक पूरा कर लो ताकि हमको सब कुछ क्लियर हो जाए। आगे पेपर में जो है वो आपकी इच्छा है, रोज जैसे आपको करना है। पेपर में तो ये लिखा आएगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ज्ञात कीजिए, तो या तो आप ये ज्ञात करना चाहे तो ये माना सीधा इसके बाद इक्वल में ये लिखना और इसका सॉल्व कर देना। नहीं आया ना? ऐसे एक सवाल अपन ने किया है, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस सी, सी क्रॉस ए प्लस बी किया था अपन ने, वो ज़्यादा सरल है, बाकी बहुत सरल है, वो तो उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन ये सवाल अलग है बच्चों, ये सवाल अलग है, इसमें ऐसा नहीं कि ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी लिखते। तो यहाँ पे मैंने अभी इसको आपको सिखाया, मानसी बोलो बेटा, ए डॉट सी इंटू बी, ए डॉट सी एक संख्या आएगी, याद रखिएगा ए डॉट सी क्या आएगी, एक और ए डॉट बी इंटू सी, बी डॉट सी, शाबाश, बी डॉट इंटू सी और बी डॉट सी इंटू ए, बोलते जाओ इंटू ए और सी डॉट ए, सही है बच्चों? अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई ए डॉट सी से एक संख्या आती है निकाल लिए, तो हम क्या करेंगे इससे, जल ए डॉट सी हो चाहे सी डॉट ए हो, क्रम रेखा का पालन करते ही है, इसको अपन मान लेंगे बेटा के वन, संख्या आती है। ऐसे ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट ए हो, इसको अपन मान लेंगे के टू, और बी डॉट सी हो चाहे सी डॉट बी हो, इसको अपन मान लेंगे के थ्री। रखो जरा, इक्वल टू के वन बी वेक्टर, के टू, बेटा देख के नहीं बोल रहे आप लोग, बी ए और ए बी एक ही है ना बेटा, तो क्या आएगा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, ए बी को क्या माना था के टू, तो बी ए को भी क्या माना था के टू, अब आया ध्यान के, अभी भी नहीं आया, बहुत लापरवाह होते जा रहे हैं। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर किसको दिख रहा है सामने, के थ्री ए वेक्टर, बोलते जाओ देखकर के थ्री और लास्ट सी ए, सही है मानसी? अब क्या बोले, जोड़ के बोलो, के वन बी वेक्टर, क्या करें बताओ, क्या आ गया ये जीरो, समझ में, जीरो वेक्टर की भी सदिश गुणनफल है सारा, सबको समझ में आया? वो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, अब उसमें प्लस है इसमें गुणा है, दोनों की मेथड भी कितनी अलग, अगर आपने मिक्स कर दिया तो क्या आया, क्या दो? लगते दोनों एक से ही देना, जब मैंने प्रिंटिंग हाथ लिख दिया, समझ में आया? चलिए कल बच्चों यहाँ पर एक सवाल है, और इस पूरे सेक्शन में हम केवल अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल में संबंध स्थापित करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ए क्रॉस बी का परिमाण ए डॉट बी के बराबर, देखो ए क्रॉस बी तो ए डॉट बी के बराबर हो नहीं सकता, बिकॉज ए क्रॉस बी सदिश होता है और ए डॉट बी अदिश, हाँ लेकिन दोनों के परिमाण आपस में बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है, बिल्कुल बताइए, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है? एन कैप कैसे आएगा, एन कैप कब आता है, जब ये दिशा भी हो, अब ये तो केवल परिमाण है, चलिए इसको यहाँ ले आइए, वैसे तो वैसे ही काट सकते हैं आप, फिर भी आपके लिए मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर एक, ये क्या हो गए, क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू वन, वन माने 45, तो थीटा बराबर 45, तो मतलब यदि दो सदिशों के बीच का कोण कितना हो 45। इतनी बारीकी इसलिए पढ़ा रहे कि वहाँ पेपर में कुछ फर्क आओ, यदि दो सदिशों के बीच का कोण 45 अंश है तो सदिश गुणनफल का परिमाण और अदिश दोनों क्या होते हैं बराबर, कब, जब दोनों का कोण कितना हो 45, समझ में आया, दिशा की बात नहीं। अच्छा अगला सवाल है कि सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल में क्या स्थापित करो संबंध, यहां देखो ये लाइन पूरी ज्यों की त्यों लिखनी है, जिनके बीच का कोण थीटा है, सबसे पहले आप लिखिएगा मानसी ए क्रॉस बी,
बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन के। तो ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो केवल क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। फिर आप लिखिएगा मानसी अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी। समीकरण एक समीकरण दो, समीकरण एक में दो का भाग देने पर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये हो गए कितना आ गया, ये होता है सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल में। तो अब रोहित अगर आप उठ गए हो तो आप सोचिए, आप ए क्रॉस बी का मॉड निकालने आया पेपर में और आप पे नहीं बन रहा, तो आप ए डॉट बी निकाले क्या कहते हैं टेन थीटा, लेकिन उसके लिए आपका टेन थीटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है, फिर भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो लेंदी प्रोसीजर पर तो लोग साइंड ही से कर लेंगे, लेकिन बता रहे हैं कि एक ही चीज़ कितने सारे तरीके हैं, तो अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो सही रहेगा। सबको समझ में आया बेटा? दोस्तों अब हम एक चीज़ पढ़ने वाले, देखिए अभी तक अपन जितनी चीज़ें पढ़ी है नॉर्मली आपको लग रहा है ऑब्जेक्ट है, दो नंबर तीन नंबर ऐसे चैप्टर ही है वो पूरा, यहाँ पर जो चीज़ पढ़ने उसका नाम है लैग्रैन्ज सरल समीकरण। लैग्रैन्ज सरल समीकरण एक और होती है जो आपको त्रिमितीय ज्यामिति बताएंगे। तो अभी हाल आप देखिए कि ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर निकालना है, मैं आपको सरल समीकरण नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा टिपिकल है। तो ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर होता है आपका मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और ए डॉट बी स्क्वायर, एक ये। और इसको याद करने के लिए सारणिक में देखो यहां लिखा होगा ए डॉट ए लिखा है, यहां लिखा होगा बी डॉट बी लिखा है, यहां लिखा होगा ए डॉट बी, यहां लिखा होगा ए डॉट लिखा है। तो ये लैग्रैन्ज सरल समीकरण कहलाती है, चाहे इसके बराबर ये लो चाहे इसके बराबर सारणिक ले लो। तो पेपर में आता लैग्रैन्ज समीकरण लिखिए उसे दिखीजिए, एक नंबर में आएगा लैग्रैन्ज सरल समीकरण लिखिए। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए, इसका प्रूफ बहुत सरल है। माना ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो सदिश के बीच का कोण थीटा है, तब मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, देन मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर, गुणा कर लेंगे अंदर, एक में करोगे तो ज्यो का मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, और इसमें करोगे तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सब पे स्क्वायर एक बार लगा लिया, मॉड ए मॉड बी कॉस, और अब आप मंद मंद मुस्काने वाले हैं, ये सूत्र है ए डॉट बी का। बताओ कटहल लगा के नहीं लगा, देखो हो गया प्रूफ कि नहीं हो गया, लेकिन अभी दूसरा प्रूफ नहीं हुआ साइनिंग वाला, पर इतना समझ में आया। इसके बाद आप लिखिएगा ये सदिश का वर्ग बराबर, और इसको दो बार लिख लिया रोहित, सही है, इसको लिखिए ए डॉट ए, इसको लिखिए बी डॉट बी, और ये ज्यों का त्यों। समझ आया बच्चों को? अब क्या रहा जीवन में, ए डॉट ए त्रिक गुणा काय में होगा, सही है, ए डॉट बी ए डॉट बी नहीं है, हैंस क्या हो गया, सरल है कि बहुत सरल,